भारत और कनाडा के बीच तनातनी और खींचतान लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच समाचार एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में एस जयशंकर ने कहा कि कनाडा में हिंदू मंदिर में कल जो हुआ वह निश्चित रूप से बेहद चिंताजनक है। ये घटना कनाडा और भारत के बीच और सिख अलगावादियों और भारतीय राजनयिकों के बीच तनाव को बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिंदू सभा मंदिर के बाहर रविवार को जानबूझकर किए गए हमले की निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं। हिंसा की ऐसी घटनाएं भारत के संकल्प को भी कभी कमजोर नहीं कर पाएंगी। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। पीएम मोदी ने दुनिया भर के भारतीयों के लिए आवाज उठाई है। कनाडा विवाद के बाद पीएम मोदी का ये पहला बयान है। पीएम मोदी का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से भारत सरकार से पहले ही इस मुद्दे पर चिंता जताई थी। विदेश मंत्रालय ने कनाडा सरकार से साफ तौर पर कहा है कि वे सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और ऐसे हमलों को रोकें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार कनाडा में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है। हम कनाडा सरकार से ये सुनिश्चित करने के लिए कह रहे हैं कि पूजा के सभी स्थलों को ऐसे हमलों से बचाया जाए। कनाडा के ब्रैम्पटन स्थित हिंदू सभा मंदिर के पास रविवार को खालिस्तानी चरमपंथियों के प्रदर्शन ने हिंसात्मक रूप ले लिया था। उन्होंने मंदिर में आ रहे लोगों पर अटैक कर दिया। मंदिर में हुई हिंसा को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सहित कई नेताओं ने कड़ी निंदा की। ट्रूडो ने कहा कि ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा अस्वीकार्य है। हर कनाडाई को अपनी आस्था की स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है। उन्होंने पुलिस का शुक्रिया भी अदा किया जिन्होंने तुरंत कार्रवाई की और समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि मंदिर में हिंसा अस्वीकार्य है। उधर भारत ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों को सख्त कार्रवाई की मांग की है। जो वीडियो सामने आए उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मंदिर के सामने पहले खालिस्तान समर्थकों की टोली गाड़ियों से आई। खालिस्तानी झंडों के साथ अलगावादियों ने वहां एकत्रित श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की। पुलिस कर्मियों को बीच बचाव करते देखा गया। पील क्षेत्रीय पुलिस ने कहा कि उसे हिंदू सभा मंदिर के समक्ष विरोध प्रदर्शन की जानकारी थी। इसी के तहत सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंदिर परिसर में पुलिस बल की मौजूदगी बढ़ाई गई थी। पुलिस प्रमुख निशान दुरैयप्पा ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन का सम्मान करते हैं लेकिन हिंसा और आपराधिक कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमलावरों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद मंदिर परिसर के आसपास अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। पील क्षेत्रीय पुलिस ने यह भी बताया कि श्रद्धालुओं पर हमलों के बाद हिंदुओं के गठबंधन द्वारा आयोजित एक प्रदर्शन के बाद 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है। उच्चायोग ने कहा कि इन विद्वानों के बावजूद भारतीय और कनाडाई आवेदकों को 1000 से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए गए। इस बीच कनाडाई राष्ट्रीय हिंदू परिषद और हिंदू फेडरेशन ने हिंदू महासभा मंदिर प्रशासन और कई हिंदू संगठनों के साथ मिलकर ये स्पष्ट कर दिया है कि कनाडा भर में हिंदू मंदिर और संस्थाएं अब राजनेताओं को राजनीतिक उद्देश्य के लिए मंदिर की सुविधाओं का उपयोग करने की उस वक्त तक अनुमति नहीं देंगे जब तक वे देश में खालिस्तानी उग्रवाद के गंभीर मुद्दे पर ठोस कार्रवाई नहीं करते। CNCH ने कहा कि ट्रूडो के नेतृत्व वाली कनाडा सरकार के कार्यकाल में हिंदुओं पर हमले खतरनाक दर से बढ़े हैं और देश में व्यापक धार्मिक की चिंता प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। ये घटना भारत और कनाडा के बीच बढ़ते राजनीतिक विवाद के बीच हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम कल ब्रैम्पटन ओंटारियो में हिंदू सभा मंदिर में चरमपंथियों और अलगावादियों द्वारा की गई हिंसा की निंदा करते हैं। हम कनाडा सरकार से सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं कि सभी पूजा स्थलों को ऐसे हमलों से बचाया जाए। उन्होंने कहा कि हम ये उम्मीद करते हैं कि हिंसा में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा। हम कनाडा के भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं। भारतीय और कनाडाई नागरिकों को समान रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए हमारे वाणिज्य दूतावास अधिकारियों के कदम धमकी उत्पीड़न और हिंसा से नहीं डिगेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।